वतनों दूर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। इसका असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों उत्ते वेख्या जा सकता है। हुण मन्निया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें 5 रुपए तक घट सकदियां ने। बाजार माहरां ने अनुसार कच्चे तेल में गिरावट का सीधा लाभ भारत को भी मिल सकता है। तुहानू दस दिए कि इस वेले देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 तो पार हो चुका है। हालांकि पिछले 2 हफ्तों तो तेल की कीमतें नहीं वधियां। MCX उत्ते अगस्त लई कच्चे तेल की डिलीवरी 73 रुपए या 1.32% की गिरावट के 5,444 रुपए प्रति बैरल 6,313 लाट लई कारोबार कर रहा है। सितंबर विच डिलीवरी 307 लाट के कारोबार 69 रुपए या 1.26% गिरावट 5,415 रुपए प्रति बैरल उत्ते आ गई सी। HDFC सिक्योरिटी के सीनियर विश्लेषक तपन पटेल ने कहा, तेल के विश्व के दूजे सब तो वड्डे खपतकार विच कारखानियां दी गतिविधियां विच गिरावट आई है। चीन की आर्थिक रिकवरी चिंतावां कारण सोमवार को कच्चे तेल दी कीमतों विच गिरावट आई है। अमरीका ते चीन तो इलावा दुनिया के होर हिस्सों विच कोरोना के वध रहे मामलों के प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस कारण कच्चे तेल दी कीमतों विच भी दबाव बनया होया है। कच्चे तेल दी कीमतां 75 तो 72 डॉलर प्रति बैरल नाल हेठले कारोबार ते रहने की उम्मीद है। हालांकि माहरां दा मनना है कि क्रूड आयल दे वधे उत्पादन दे कारण कच्चे तेल दी कीमतां 65 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकदियां ने अते जेकर अजिहा हुंदा है तां पेट्रोल दी कीमतां हेठां आ जाणगियां। इह संभव है कि इस नाल तेल दी कीमतां विच 5 रुपए की कटौती हो सकती है।